शहर काजी मोहम्मद मिराज उस्मानी द्वारा बताया गया कि चेयरमैन साहिबा के पति सोनू जी प्रणय गहलोत, पार्षद राकेश जी सेन, पार्षद मुजाहिद इस्लाम, पार्षद अब्दुल अजीज अंसारी, वकील पीर मोहम्मद, समाज सेवी जावेद गौरी और दिगर प्रशासन के अधिकारियों को शहर काजी द्वारा इस्तकबाल भी किया गया। वह वहीं बैठकर काजी साहब के साथ अखाड़े का कार्यक्रम भी देखा। साथ ही साथ नगर परिषद द्वारा खूबसूरत ताजिया बनाने वाले और अखाड़े में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। निकास की जानिब से अखाड़े का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद हुसैन भाटी व दरगाह डोडी शरीफ के अखाड़े का नेतृत्व करने वाले पीर गुलाम शब्बर व लवारपुरा वाले को भी प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया और नौ दिगर ताजिया बनाने वालों को भी नगर परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। अखाड़ा का इतिहास यह है कि अखाड़ा हमारे हजरत अली हुआ करते हैं, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी जो लड़की थी बीवी फातिमा नाम का उनका उनके शोहर थे, पति थे, उनको तलवारबाजी का बहुत शौक भी था, बहुत ज्यादा तो तलवारबाजी लेकिन उनका टाइम अलग है। ये ताज एक बना लेता है, उनके सामने खड़ा होता है।
तो अखाड़ा के ऊपर हमारे 20 लोग पहुंच रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भाई को किसे दे राजस्थान का और ये लड़के जो बनाने वाले बच्चे हैं ये कम से कम 4 महीने से 6 महीने के बीच में डेढ़ 2 महीने का इतना टाइम देते हैं, रात भी लगे रहते हैं और एक अक्षर लेकर बैठ जाते हैं इंसान में। ये एक रोजा है तो 3 हिस्से हैं, एक एक हिस्सा अलग अलग बनाते हैं, उसका नक्शा आपके सामने रखता है, नक्शे के आधार के ऊपर हूबहू सेम टू सेम मौके में बनाकर काम में रखते थे। ये सामने ऊपर वाला है, ये मलेशिया के अंदर एक मस्जिद है उसका ये नक्शा है, ऊपर वाला जो एक मलेशिया की मस्जिद का नक्शा माशाल्लाह हूबहू सेम टू सेम मौके हुए नक्शे को बनाकर हमारे सामने रख दिया। तो काबिले अजीज अहमद कोफी नाम से उन्होंने उनके पूरे वंश और ये आज भी अपने औजार के नाम से पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम देते हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी अगर ये औजार जाएंगे तो नालों के मशहूर हो जाएंगे। इनके हाथी ने एक कला देखे था, एक अकबर की इनके पास एक ही ताला खड़ा हुआ था, उस ताला को उन्होंने नुमाइश में रखा था। बनाने वाले लोहारपुरा के कारीगर जो स्वार्थ जगह से खोलता है, एक चाबी से स्वार्थ जगह और चाबी लगती जब घर का ताला खोलता है, मेरे को अकबर भाई ने कहा करो कोशिश, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 4 जगह पहुंच गए, हर 3 जगह मेरे को ताला की मिली नहीं यकीन देते और उन्होंने भी उसको नाम सीक्रेट रखा बनाए। आज भी उनके पास वो ताला है, दिल्ली की नुमाइश में रखा गया। अपनी मन्नत बोलते हैं, मन्नत के साथ मेरा ये काम भगवान अल्लाह पूरा कर देता है तो मैं एक बात भी रखता हूँ, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं 3, तो हर इंसान एक हिस्सा बनाने की ताकत रखता है। इस बार एक बंदा ऐसा है जिसने पूरा ही कार्य अपनी एक अपनी जगह से बनाया और इसमें लंबा थोड़ा खर्चा भी होता है लेकिन बहुत ही काबिल तारीफ चीज बनती है। आपने नोट आज पूरे देखो नहीं आएंगे, नोट आज अगर इसके मुकाम में कोई बात देते हैं और इस ताज के खूबियां भी इतना भारी पड़ने के बावजूद इसकी चमक और इसकी जो खूबसूरती उसमें कमी नहीं। आवाज सुनी जब आना पड़ा मुझे हमारे दुआ से 2 महीने फिर आ गया, फिर आ गया मोबाइल लेता मोबाइल उसी खुशी का इजहार करते हुए वो इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही पुराने समय से जो क्षतिग्रस्त रोड थी जिसमें चलने फिरने के लिए जो बुजुर्ग लोग थे खासतौर पर वो चल नहीं पा रहे थे, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि ये रोड बन जाए तो हम आराम से चल सके, वो सपना को पूरा किया सोनू भाई ने, इसलिए जोहरपुरा चौक में इनका इस्तकबाल किया जा रहा है जाकिर साहब और जब्बार भाई की तरफ से। मोहर्रम के पर्व के ऊपर आपका इस्तकबाल किया जा रहा है जबरदस्त तालियों के साथ, इनका यहाँ तो तालियां बजी दो।
पूरा।